हेलो व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप लोग? और थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सपोर्टिंग यू मी। और फ्रेंड्स, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा आपको फॉरनर्स रूम के बारे में वीडियो दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे को आपसे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मेरे वीडियोज़ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, डिसलाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। पहले जो लाइक थे डिसलाइक दोनों आ देते हैं। मेरे को आपको मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अगर मेरी वीडियोज़ को देखते हो तो प्लीज़ लास्ट तक देखा करो। मेरा जो वर्ना जो वॉच टाइम वो डिक्रीज होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एंड्स। चलो मैं आज मैं आपको आप जैसे भी सबसे ज़्यादा जो मेरे व्यूज आ रहे हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब ज़्यादातर मोस्टली पीपल वो जो अभी तक Xiaomi का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। Xiaomi का MIUI फोन चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो बग आई है वो काफ़ी ही अलग बग मिला है। क्योंकि एंड्रॉइड 5 में करने के बाद में हर किसी के फोन में काफ़ी सारे इशू को फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसलिए थोड़ा मैं आज ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा आपसे। तो फ्रेंड, बेसिकली जो भी आपको बग मिल रहा है वो बग ये है कि आप पाई से ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा बग मिलते हैं कॉलिंग वगैरह में, या फिर सिम कार्ड करने के लिए इशू मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, बट डाउनलोड करने के बाद में उनको डाउनलोड में सॉफ्टवेयर अटक जाता है, कहीं ना कहीं पर दिक्कत आ जाती है। उसके बाद में आप सोचते हो कि कहीं कैसे कैसे अगर हम ओरियो पे जाएँ तो ओरियो स्टेबल रहेगा। बट फ्रेंड्स, अगर आप ओरियो पे जाओगे तो इसके लिए आपको ई एफ एंड बोट आप TWRP अगर रिस्टोर करते हो तो फ्रेंड्स उससे आपके एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो कि आपका IMEI नंबर, जो IMEI नंबर वो जीरो हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। आपका फोन भी अगर आप नॉर्मली आप उसको 8.0 में या फिर 8.1 में और अपने फोन को बूट अप करोगे तो एनिमेशन में अटक जाता है या फिर ऑन हो जाता है, तो आपका IMEI नंबर जीरो हो जाता है, तो अटक जाता है। तो फ्रेंड, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप उसमें जाओगे ना, अगर आप उसमें चले भी जाते हो और आपको ओरियो ही यूज़ करना है, तो आप ये बात पहले से जान लो कि आपका IMEI नंबर जो जीरो हो जाएगी, जैसे आपके नेटवर्क जो है गायब हो जाएंगे और आपको नेटवर्क में थोड़े से इशू आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा से आपका जो IMEI नंबर है वो ऐड करना होगा, जिसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने आपको आई कार्ड में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर पाई टू ओरियो जा रहे हो तो आपका IMEI नंबर जो है वो वैसे दिक्कत आ सकती है, आपका IMEI नंबर जो है वो जीरो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये देख करूँगा आप अपने ओरियो यूज़ करो, स्टेबल रोम है। वैसे भी अभी जो आपका Xiaomi का स्टेबल जो रोम है वो रिलीज करने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे फर्स्ट वीक में कर देंगे, शायद करें ना करें, बट वो सेकंड वीक तक तो आ ही जाएगा मोस्ट प्रॉब्लम भी। तो फ्रेंड्स, बताओ आप मेरी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड ये आपका सपोर्ट ही है जो खराब तबीयत में मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड एज आई से ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी एंड पीस।